वेबसाइट से हटाया गया। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लीक बिना उचित स्वीकृति के वेबसाइट पर दिया गया और यह श्रीलंका सरकार के रक्षा और शहरी विकास मंत्रालय के सरकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं करता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने श्रीलंका सरकार से इस आपत्तिजनक लीक के लिए बिना शर्त माफी मांगने